आज हम लोग प्रैक्टिकल के लिए आए हैं। किसके लिए आए हैं? ब्लड ग्रुप जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे? जांच करेंगे भी, अपना रिजल्ट भी जानेंगे और जांच करना सीखेंगे। आज हम लोगों को किस किस क्वेश्चन का आंसर मिलना है वो जान लीजिए। क्या ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है ताकि बच्चा का इंटरेस्ट, आप लोगों का इंटरेस्ट जाग जाए कि अच्छा ये सब मिलने वाला है, तो आप गौर से सुनिएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी को अपना बात बताना है, कहना है और चाहते हैं कि वो गौर से सुने, तो उससे पहले एक बात कह दीजिए उसको कि कहना तो नहीं चाहिए था, तो ही हम आपको कह दे रहे हैं, तो देखो कितने गौर से सुनेगा, है। और ऐसे जब बताने जाएगा तो इधर कह रहा है उधर से निकाल रहा है, इधर सुन रहा है इधर से निकाल रहा है, समझ आया। तो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे और ब्लड ग्रुप का जांच करना सीखेंगे, है ना। ब्लड ग्रुप का जांच करने के साथ साथ केमिकल का नाम जानेंगे, क्या क्या इक्विपमेंट का जरूरी पड़ता है, क्या क्या कौन कौन सा केमिकल जरूरी है इस जाँच के लिए, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि अपना ब्लड ग्रुप किस किस को दे सकते हैं और जरूरी पड़ने पर हम किससे ले सकते हैं। साथ ही साथ ये जानेंगे कि अगर पॉजिटिव निगेटिव में शादी हो जाता है, लड़का पॉजिटिव और लड़की निगेटिव, या लड़की ही पॉजिटिव है और लड़का निगेटिव है, इसमें शादी हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम्स आता है शादी के बाद, ना कुंडली मिलाए या ना मिलाए, ब्लड ग्रुप मिलाना क्यों जरूरी है, इन सारे बातों को आज सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, है ना। साथ ही साथ ये जानेंगे कि ब्लड ग्रुप हमें पर अपने पूरे फैमिली का ब्लड ग्रुप पता होना क्यों जरूरी है, और हमें रक्तदान करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, इन सारे सवालों का जवाब अभी मिलने वाला है, है ना। तो सबसे पहले समझिए ब्लड ग्रुप जो है वो चार प्रकार के। हम एक और बात बता दे रहे हैं कि इसमें पूरा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ये डिटेल्स आपको सर्कुलेटरी सिस्टम, 10 को सिस्टम से बने हुए हैं, उसमें से एक सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र, है ना। उस परिवहन तंत्र में हम लोग जानेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, रक्त के बारे में डिटेल्स में, कौन खोजा, कैसे, RBC क्या होता है, WBC क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, लंबा कहानी उसका। अभी हम मेनली प्रैक्टिकल के लिए आए हैं, कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, उसका प्रैक्टिकल करेंगे, है ना। तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये बात नहीं बताए, वो बात नहीं बताए, ये बोला ये स्किप कर दिए, छोड़ दिए, जानवे करता है, जब टॉपिक आएगा तब तो हम बता देंगे, पूछने का जरूरी नहीं पड़ता है, है ना। तो ब्लड ग्रुप मनुष्य में चार प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार का? चार। कोई पूछे ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का है तो हम क्या कहेंगे? चार। क्वेश्चन पूछेंगे कौन हिसाब से, मैथ, अल्फाबेटिकली बतावे या दूसरा हिसाब से, मैथ वाला के हिसाब से बतावे, तो क्या मैथ वाला हिसाब से बताओ, तो हमारा पॉजिटिव निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है और निगेटिव, तो ये तरह का ब्लड ग्रुप, या तो पॉजिटिव होगा नहीं तो निगेटिव। तो अल्फाबेटिकली बताओ तो ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, लिखा हुआ है, है ना। तो कितने तरह के ब्लड ग्रुप हो गया? चार। ए बी ए बी ओ, या तो आप में ए ब्लड ग्रुप होगा, नहीं तो बी होगा, नहीं तो ए भी होगा, नहीं तो ओ होगा। तो कितना दो बार जांच करवाया, कहीं बदल गया होगा, तो बदलता नहीं है, ये जो ब्लड ग्रुप आया है वही रहेगा, ये चेंज बीच बीच में चेंज नहीं होता, दाल भात है जो चेंज होता रहेगा, खाना ना रहे, नहीं हाँ ब्लड है चेंज नहीं होता है, समझो। उसके बाद आगे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कैसे होता है और निगेटिव कैसे होता है, तो ये बात हम बताए हुए थे आप लोगों को, और फिर से एक बार जान लेते हैं। हमारे खून में एक सेल है, उसका नाम है RBC, छोटा छोटा होता है पेरा जैसा, वो RBC के ऊपर इस तरह का निशान बना रहता है, चौकूट टाइप का, अगर ये है तो इसको कहते हैं RS फैक्टर, इसको कार्लाइन स्टीनर ने खोजा था, है ना। किसमें खोजा था? तब रेहसस मकाका मंकी, रेहसस मकाका मंकी के अंदर खोजा था RS फैक्टर को। अगर है, बायोलॉजी में हमेशा याद रखना है, तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। तो जिसके खून के RBC में इस तरह का कैसे दिखाई देगा? माइक्रोस्कोप से देखने पर दिखाई देगा, है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, यानी उसका खून पॉजिटिव है, बंदर वाला गुण आया, ये सब कहां से किससे आया है, ये
बंदर से आया हुआ है, हम लोग बंदर से इवॉल्व होकर के इंसान बने हैं, तो ये बंदर में था इसलिए हम सब में भी आ गया। कितना में अब डिलीट हो रहा है, धीरे धीरे गायब हो रहा है, तो जिसमें नहीं रहेगा तो उसका खून निगेटिव हो जाएगा, और जिसमें रहेगा ये आर एच फैक्टर उसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो कहेगा आर एच फैक्टर नाम क्यों रखा, तो फैक्टर कोई ना कोई चीज है, ये फैक्टर है, और आर एच किससे लिया गया था, रेहसस से। रेहसस क्या है, तो रेहसस मकाका मंग की नाम है जिसमें खोजा गया था, जिसके खून में खोजा गया था इस फैक्टर को, उसका नाम, उस मंकी का नाम था रेहसस मकाका मंग, है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा आर एच फैक्टर। इतना बात समझ गया, डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर ए ब्लड ग्रुप, किसी का ए होता है तो ए ही क्यों होता है, बी ही क्यों होता है, ए भी क्यों होता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, तो लंबा कहानी है, उस सब को बाद में पढ़ेंगे, है ना, जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब। अब इसलिए समझ गए पॉजिटिव निगेटिव क्यों होता है, समझ गए, अगर आरबीसी में ऐसा है तो पॉजिटिव, ऐसा नहीं है तो निगेटिव। उसके बाद कौन किसको देगा और कौन किससे लेगा, तो अगर ब्लड ग्रुप आपका ए है तो किससे लेगा, ए और ओ से, जरूरी पड़ेगा तो हॉस्पिटल में मान लो खून का कमी हो गया तो किससे लेगा, ए और ओ से, और देने की बारी आएगा तो ए और ए बी। अगर बी ब्लड ग्रुप बी है तो ये किससे लेगा, बी और ओ से, और देने की बारी आए तो बी और ए बी से। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो सबसे लेगा ना, और देने की बारी आएगी बस तो सिर्फ एबी वाला को। इसके पास एंटीबॉडी नहीं होता जी, इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होता, ये सब सर्कुलेटरी सिस्टम का है। आगे अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो ओ वाला को, ओ वाला से ही सिर्फ लेगा, और देने की बारी आएगा तो सबको देगा, है ना। इसीलिए इसे विश्व में रक्तदाता रक्त समूह कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सल डोनर, है ना, सबको दे सकता है, आई सब से सिर्फ ले सकता है, देने की बारी आया एक वो, तो इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप वाला को दानी बाबा भी कर सकते हैं, वो किसी को भी दे सकता है रक्त अपना जरूरी पड़ने पर, समझ में आया। आगे अब कितना आदमी इसको जानने का जरूरी नहीं समझता, कोई क्या जरूरी है जान करके, जहिया जरूरी पड़ेगा तो यह जान लेंगे, जबकि आप अपने पूरे फैमिली का ब्लड ग्रुप पता करके नहीं याद रहेगा तो लिख करके रखिएगा, भगवान न करे वैसा दिन आवे, लेकिन कल क्या होगा वो कोई नहीं देखा है। किसी को इमरजेंसी में ब्लड का जरूरी पड़ गया, देखिएगा आप स्कूल कार्ड आई कार्ड वगैरह पर तो सब ब्लड ग्रुप का ऑप्शन रहता है, उसमें ब्लड ग्रुप भरना रहता है, स्कूल का आई कार्ड होता है लटकाने वाला, नहीं जानता, तो उसमें लिखा रहता है कि आप अपना ब्लड ग्रुप भरिए, उसमें ब्लड ग्रुप का ऑप्शन रहता है, उसमें इसलिए दिया जाता है कि बच्चा मान लो चल खेलते खेलते गिर गया या एक्सीडेंट हो गया तो ब्लड का जरूरी पड़ेगा, तो आई कार्ड देखेगा इसका ये ब्लड ग्रुप है, जल्दी से उसका अरेंज करवाएगा, हॉस्पिटल रास्ते जाइए ना, रास्ते में है बच्चा या कोई भी आदमी रास्ते में है, लेकिन उसका आई कार्ड देख करके तुरंत फोन करना चालू कर दिया, इस ये ब्लड ग्रुप ये ब्लड जरूरी है इस ग्रुप का, है ना, आदमी का व्यवस्था करो, जल्दी से हॉस्पिटल भेजो उसको, ब्लड का जरूरी है। आप सोचो नहीं पता रहेगा तो उसको सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाएगा, जल्दी से खून चढ़ाने का जरूरी पड़ेगा तो पहले उसका जांच करेगा, जांच करने के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद फोन करेगा कि इसका जरूरी है, तब तक बहुत देर हो गया रहेगा, समझ आया। इसीलिए आप हर एक अपने फैमिली मेंबर का ब्लड ग्रुप पता करके रखिए, और नहीं होता है तो नोट करके लिखिए, जब जरूरी पड़ जाए तो सीधा उसका, जैसे ही पता है मान लो किसी के बारे में इसका ये ब्लड ग्रुप है, इसको कुछ हो गया है, तो तुरंत फोन करना क्या कर दिए चालू कि इस आदमी इस ब्लड ग्रुप वाला सबको खोजो और वहाँ पर ले चलो जो अपना आदमी, ताकि वो खून दे सके, समझ में आया जी। और खून देना भी चाहिए, खून दान भी करना चाहिए, कितना आदमी कहे नहीं खून नहीं देंगे हम अपना, तो हम बता दे कि खून दान करने से नया सेल बनता है, नया खून फिर से बनता है, और जो रक्त दान करता है उसको कैंसर जैसा बीमारी से छुटकारा मिलता है, कैंसर उसको नहीं हो सकता है जो रक्त दान करता है। इसलिए प्रत्येक आदमी को 6 महीना साल भर में कम से कम एक बार ब्लड डोनेट करना चाहिए, 18 साल के बाद इन्हें से अभी ये चल जाना, हाँ हमारा खून निकाल लीजिए अभी नहीं, 18 साल के बाद रक्त दान कर सकते हैं, बशर्ते खुद अपने कमजोर है जाके रक्त दे रहे हैं, नहीं फिट है तो आराम से दे सकते हैं, देंगे फिर दूसरा बनेगा, नहीं देंगे कम हो जाएगा तो मरिए जाएंगे, रे बकलोल कहीं का, कमता है तो फिर बनता भी है,
बसरते बनने वाला मटेरियल तुमको खाना पड़ेगा। मान लो हम सीधा कहेंगे मेरा घर ही नहीं बन रहा है, मेरा घर ही नहीं बन रहा, तो बन जाएगा? मटेरियल लाना होगा, ईंट लाना होगा, बालू गिट्टी सीमेंट ये सब लाना होगा, और मिस्त्री को पकड़ के लाना पड़ेगा, घर बना तब बनाएगा। ठीक उसी तरह से मिस्त्री तो अंदर बैठा हुआ है, मटेरियल देंगे ना, प्रोटीन देंगे ना, आयरन देंगे ना, तभी तो रक्त बनेगा। तब दे दो रक्त, फिर प्रोटीन आयरन वाला चीज़ सब खाओ, और फिर से खून बन जाएगा, तो तुम्हारे अंदर पुराना सेल चला गया, अब फिर से नया बनेगा, नया बनेगा तो एकदम तरोताज़ा रहेगा, कैंसर जैसा बीमारी से बचेगा। तो इसीलिए रक्त दान करना चाहिए। और आप जो आगे आने वाला समय में आप सभी लोग है ना, एक प्रतिज्ञा कीजिएगा कि जब जरूरी पड़े तो किसी को रक्त का जरूरी पड़े, आप कंफर्टेबल है दे सकते हैं तो आप जरूर दीजिएगा, कभी पीछे नहीं हटिएगा, है ना? समझ में आया? हमेशा याद रखना है, जो धन देता है वो धन दाता होता है, और जो विद्या देता है वो विद्यादाता होता है, जो अन्न देता है वो अन्नदाता होता है, और जो रक्त देता है वो जीवनदाता होता है। ये बात हमेशा याद रखना। आगे तो हमें रक्त दान करना चाहिए, जिससे हमारा ही कोई ना कोई होगा जिसका जान बच सके, रक्त दान करना चाहिए, हमारा ही कोई ना कोई बचेगा। समझ आया? ठीक है, आगे। रागों में ब्लड ग्रुप जैसे कैसा भी हो, लेकिन हमेशा याद रखना ऊपर से भी पॉजिटिव ही रहना, निगेटिविटी लाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। निगेटिव हो या पॉजिटिव, कैसा भी ब्लड हो तो अंदर में, बाहर से क्या रहना है? बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, गंभीर बनो। समझ आया? ठीक है, इतना समझ गए। आगे अब रक्त समूह की हमें क्यों पता होना चाहिए, ये बात जान गए कि एक्सीडेंट वगैरह या खून का कमी होगा तो तुरंत उसको दिया जा सके इसलिए जरूरी है। इतना समझ गए। आगे केमिकल होता है, कैसे पता करेंगे कि कौन ब्लड ग्रुप है और कौन नहीं, तो उसके लिए केमिकल आता है, दिखाते हैं। देखो ये केमिकल है, दिख रहा है? एगो है ए, एक ठो है बी, देखो ये बी है और ये डी है, देखो गया ए बी डी। अब देखो ये सब ऊपर लिखा हुआ है, दिखाते देखो, अगर ए और डी फटे तो ए पॉजिटिव, हमेशा याद रखना है वो चीज, अगर डी केमिकल फट जाएगा ना तब पॉजिटिव होगा, और डी किसी में नहीं फटा तो खून नेगेटिव है, ये बात हमेशा याद रखना। अगर किसी भी ए और बी के में किसी के साथ भी या दोनों के साथ अगर डी फट गया तो खून क्या होगा? पॉजिटिव, और डी नहीं फटा तो नेगेटिव। एगो तो कम से कम टेंशन दूर रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव का। डी जब ये फटा तो कोनो खून हो पॉजिटिव ही होगा, ए हो बी हो ए बी हो या ओ हो, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर ए के साथ डी फटेगा तो ए पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि ए के साथ क्या फटा? डी। अब ये बोले थे डी फटेगा तो ए पॉजिटिव होगा, और ए के साथ फटा इसलिए ए पॉजिटिव, और सिर्फ ए फटेगा, डी फटा इसमें नहीं, नहीं तो ए नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए नेगेटिव। उसी प्रकार से बी के साथ डी फटा तो बी पॉजिटिव, और बी सिर्फ फटा तो बी नेगेटिव, बी नेगेटिव। ठीक उसी प्रकार से ए बी और डी फटे तो ए भी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और सिर्फ ए बी फटेगा तो ए बी नेगेटिव, अगर डी फटे तो ओ पॉजिटिव, सिर्फ डी फटा और कुछ नहीं फटा तो ओ पॉजिटिव, और कोनो नहीं फटेगा तो ओ नेगेटिव। अब ये बताए थे अगर आरएस फैक्टर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, एब्सेंट है तो नेगेटिव। अब आया फिर शादी ब्याह का बात, अगर ब्लड ग्रुप मान लो उस लड़का का भी ए है और लड़की का भी ए है, दोनों का शादी हुआ कोई दिक्कत नहीं, लड़की का भी ओ है और लड़का का भी ओ है, सीधा समझो दोनों का सेम है और उसको शादी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होता, जागरूक कम होता है, लेकिन निगेटिव और पॉजिटिव में शादी हो जाता है तो बच्चा कंसीव बेबी कंसीव करने में थोड़ा दिक्कत होता है। समझ में आया? इसको समझते हैं फिर से कि मान लो ऐसा एक दो कहावत है ना, कहीं कहीं सेट भी हो जाता है, एक नया बात बता दे रहा है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है
तो ऐसा माना जाता है ए ब्लड ग्रुप वाला दिमाग ज़्यादा नहीं लगाता, वो शरीर से ज़्यादा काम करता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो दिमाग कम लगाएगा और शरीर से ज़्यादा काम करना चाहेगा। जैसे एक बार एयरपोर्ट पर क्या हुआ कि एक था ए ब्लड ग्रुप वाला जा रहा था, तो उसको होता है ना बैग, उसका बैग में सामान था और ट्रॉली बैग था गुरकाने वाला, तो गुरका करके नहीं ले जा रहा, तो ऐसे ले लिया ऐसे रख करके जा रहा था। तो वहाँ पर जो स्टाफ था वो कहा ट्रॉली दिया उसमें रख करके ले जाइए, तो उसको दिया तो कहा अच्छा यो ले जाना है, तो उसको उसमें रख लिया। ट्रॉली गुरकाने वाला होता है वो नहीं गुरका, ओकरो उठा के लेके चल यानी दिमाग नहीं लगा रहा, वो शरीर से ज़्यादा काम करता है और दिमाग से कम। कौन ब्लड ग्रुप वाला? ए। लेकिन एक्सेप्शन होता है हर जगह, देखना ए ब्लड ग्रुप वाला बहुत दिमाग लगाएगा, पढ़ने में बहुत तेज है, मेहनत पर डिपेंड करता है। ये सब कोई ये सब बेकार की बातें, इस पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन थोड़ा बहुत बता देते हैं। अब इन से अब ये ब्लड ग्रुप वाला हम नहीं कैसे पढ़ेंगे, हमारा तो दिमाग के लिए ऐसा नहीं सोचना है, इस्तेमाल कीजिए है ना, बढ़ेगा। समझ में आया? बी ब्लड ग्रुप वाला वो क्या करेगा, तो दिमाग ज़्यादा लगाएगा, शरीर से सोचेगा कितने कम काम करे उतने बढ़िया। बिग ब्लड ग्रुप वाला अगर उसको इतने बड़का बोरा दे दिया उठा करके वहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, तो सोचेगा इसमें कितना चक्कर लगा दे, अरे तो एगो बड़का बाँस ले उसमें घुसा देगा आपको ठीलेगा, लेकिन उठाएगा नहीं, वो सोचेगा कि कितना मेहनत कम पड़े। समझ आया? तो बी ब्लड ग्रुप वाला क्या लगाएगा, दिमाग ज़्यादा लगाएगा और काम शरीर से काम कम करना चाहेगा। उसके बाद वो ए बी ब्लड ग्रुप वाला तो ये अगर ए और बी दोनों मिलावट है और रहा बात ओ वाला का, तो ये सर्वगुण संपन्न होता, कुछो कर लेगा, सब दिमागों से काम कर ले, जरूरी पड़ेगा दिमाग का वहाँ पर दिमाग लगा देगा, जरूरी पड़ेगा जहाँ शरीर का इस्तेमाल करने का तो शरीर का इस्तेमाल। समझ आया? और इसके पास एंटीबॉडी और एंटीबॉडी पूरा भरा हुआ रहता है। तुम सबको कभी भी ब्लड ग्रुप का जो बताए हुए थे एक दिन आरो ब्लड ग्रुप ब्लड का जरूरी पड़े तो ओ वाला से कोशिश करना लेने का, ओ वाला का अच्छा रहता है, उसमें एंटीबॉडी अच्छा रहता है भरा हुआ, और नहीं तो मिल जाता अपना वाला तो वो ले लेगा, वही ठीक रहेगा। समझ आया? हाँ समझो। अब शादी ब्याह होता है, अगर ए और बी में शादी हो जाता है, ए और बी तो अगर जम गया तो बहुत अच्छा चलेगा, अन्यथा रेगुलर झगड़ा होगा। एकर एंटीजन क्या है इसके अंदर ए, एकर एंटीजन क्या है बी, दोनों अलग अलग हो गया, बड़ मारपीट होते रहता दोनों। कुंडली मिलाना या नहीं मिलाना शादी के समय, ब्लड ग्रुप मेडिकल रिपोर्ट जरूर मिलाना। अब होने लगा है शहर सब में जाके पता करो ना कि वो सब कुंडली नहीं मिला रहा है, कुंडली मिलाता ही होगा तो बाद में, पहले मेडिकल रिपोर्ट ब्लड ग्रुप चेक करता है शादी करने से पहले। समझाया? कि कहीं गलती ना हो जाने तो महाभारत चालू हो जाएगा उसके बाद। समझाया? आगे अगर ए है और फिर ए है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, मेल पांच करके दोनों चल जाते हैं, बी भी है तो ठीक है, ए भी है तो इसको भी चलिए जाता है ना। खैर ओ वाला आलू के समान होता है, हर एक में फिट हो जाता है, वो कहूँ रख देगा तो एडजस्ट कर लेता है। समझ में आया? आगे बतावे आप समझो। होता क्या है कि लड़की, तुम लोग को कह रहे हैं फीमेल का अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो तो मैरिज नहीं होना चाहिए, मतलब कोई नहीं करेगा तो नहीं, उपाय है लेकिन कौन उतना एक्स्ट्रा टेंशन लेते रहेगा, नहीं समझा? क्या दिक्कत होगा तो फीमेल अगर निगेटिव है या मेल पॉजिटिव है तो पहला बच्चा आसानी से हो जाता है, पहला बेबी आसानी से हो जाता है, उसके बाद जल्दी होता ही नहीं रहता, होबो करता है तो रोगी सासी मतलब गड़बड़ बच्चा हो जाता है, इसीलिए निगेटिव से शादी नहीं करना चाहिए। तो नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा तो कुमारी रह जाएगी, तो अपना नॉलेज के हिसाब से नहीं करेगा, नहीं पता रहेगा तो करिए ना लेगा है ना, जिसको नहीं पता रहेगा वो क्या जानेगा ब्लड ग्रुप का, पता सब दिन रिक्शा चलाता है वो और पढ़ता लिखता नहीं। मान लो अभी जैसे बहुत सारा लड़का पढ़ने आया है, एगो दूगो होगा कि डंटा लेकर गाछी में बोआ रहा होगा, वह सब खत्ता खाएगा, खत्ता खाना मतलब धोखा खाएगा उसको, है ना। आगे समझो, अगर क्या है मेल पॉजिटिव है और फीमेल नेगेटिव, तो पहला बेबी कंसीव कर जाता है लेकिन उसके बाद जल्दी नहीं होते रहता है। क्या क्या होता है इसमें, तो इसमें होता क्या है कि अगर फीमेल नेगेटिव है तो उसके अंदर प्लेसेंटा जानता है
बच्चे के नाभि से जुड़ा होता है और उसमें कुछ बच्चा का खाना जो होता है माँ के थ्रू उसी प्लेसेंटा नाभि के थ्रू ही जाता है, उजला रहता है, उजला पढ़ाए हुए तुम सबको जी। तो उसके उसके थ्रू खाना जाता था। क्या होता है कि अगर बेबी पॉजिटिव, बेबी का ब्लड ग्रुप क्या है पॉजिटिव है और माँ का क्या था निगेटिव, इसके अंदर का निगेटिव वाला जो है वो इसमें चला गया और इसका पॉजिटिव इसमें चला गया। तो यहाँ पर बच्चा को क्या हो जाता है जॉन्डिस। कभी कभी ए ब्लड ग्रुप और बी वाला में भी शादी है तो इस उल्टा मतलब ब्लड ग्रुप अलग अलग है तो इसमें भी जॉन्डिस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। देखना जॉन्डिस पीलिया रे पीलिया बीमारी जन्म लेगा। जॉन्डिस होने का कई कारण है लेकिन उसमें से एक कारण ये भी है ब्लड ग्रुप का अलग होना। अगर ब्लड ग्रुप अलग है तो जॉन्डिस होने का खतरा हो जाता है, बच्चा में कमजोर हो जाता है, समझ आया। तो उसको क्या कहते हैं फोटोथेरेपी का जरूरी पड़ जाता है। आगे से इसमें देखो तो प्लेसेंटा के थ्रू इसमें चल जाता है तो एक जांच होता है उसका नाम है ICT। क्या नाम है? ICT जांच करना पड़ता है। अगर फीमेल अगर मान लो शादी हो गया किसी को और तुम्हारे पास नॉलेज है ना और किसी को कोई दिक्कत है तो उसको कहेगा कि देखिए आपके फीमेल का ब्लड ग्रुप निगेटिव है ना और प्रेगनेंसी के दौरान आप क्या कीजिए जांच करवाइए ICT। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो ANTD का वैक्सीन दिलवा दीजिए, नहीं तो इसके अंदर दूसरा एंटीबॉडी बन जाएगा और अगले बार प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होगा। तो इस उसी दौरान ANTD का वैक्सीन दिया जाता है। उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है पार्चुरेशन होता है डिलीवरी के समय तो प्लेसेंटा वो काटा जाता है ब्लेड से या कैंची से चिमटा लगा करके। उस समय क्या होता है दोनों का बच्चा का मटेरियल और माँ का मटेरियल दोनों का एक दूसरे में मिलने का चांसेस होता है, मिलता भी है। तो उस समय 24 अगर माँ का निगेटिव अभी बोले तो निगेटिव है ब्लड ग्रुप बच्चा का पॉजिटिव है तो तुरंत काटने के बाद 24 घंटा के अंदर फिर से ANTD का इंजेक्शन देना पड़ता है, नहीं तो उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा हाई लेवल पर चल जाएगा, मतलब सीधा समझो बॉडी में उथल पुथल चालू हो जाएगा। इसीलिए ये नॉलेज देना बच्चा सब को है ना या जो भी है जो शादीशुदा जो रहा है उस सबको नॉलेज देना बहुत जरूरी है कि अगर निगेटिव ब्लड ग्रुप है तो इसका विशेष ध्यान रखिए, नहीं तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगा। वैक्सीन देना पड़ता है, वैक्सीन दे करके उसको कंप्रेस किया जाता है, कम किया जाता है। ANTD रे वैक्सीन का क्या नाम है? ANTD। इसमें क्या होगा जांच का, फिर अगर मान लो ये 24 घंटा में दे दिया फिर थोड़ा दिन के बाद जांच करा करके देखा और फिर ICT जांच बच्चा होने के बाद फिर ICT पॉजिटिव ही आ रहा है तो फिर से उसको वैक्सीन देना पड़ेगा। मान लो कभी कितना बार क्या होता है कि फीमेल निगेटिव है, फीमेल निगेटिव है और उसका एबॉर्शन हो गया, गाँव घर में जिसको सफैया करता है उसका एबॉर्शन हो गया तो उस उसके बाद भी कितना को नहीं पता रहता है और इंजेक्शन नहीं लेता है, उसके बाद भी इंजेक्शन देना जरूरी रहता है। एबॉर्शन होने के बाद बच्चा हो या ना हो, एबॉर्शन हो गया गिर गया खुद से भी गिर गया तो भी वैक्सीन देना जरूरी है, नहीं तो अगला प्रेगनेंसी नहीं होगा। एगो तो हो जाता है लेकिन अगला नहीं होते रहता है, समझ में आया जी। तो बोलो ये नॉलेज सब बेकार है? नहीं नहीं, लेकिन कितना बुद्धिजीवी होता है, कितना बुद्धिजीवी वो सब अलगे प्राणी होता है, सोचता है कि हम तो बंधु ही है दूसरों बंधु रहे, ये सब नॉलेज देगा ना तो बताएगा ना है ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब अभी जरूरी नहीं है मेडिकल पढ़ रहा है नॉलेज के लिए मेडिकल है। अब बता एविलियन हॉक साइंटिस्ट था, कितना चीज खोजा जी। क्यों खोजा? व्यापारी था, खोजा रुचि था उसमें, नॉलेज था इसलिए खोजा। अब नॉलेज को दबा करके रखेगा तो आप देखो इसमें कितना बुराई हंसने लगेगा, ऐसे बता रहे हैं ना इसमें कितना हंसेगा कि क्या पढ़ रहा है। तो हमेशा याद रखिए जब आप पर कोई हंसने लगे तो समझ जाइए कि आप जिंदा है ना। अगर आपको कोई गाली पीठ पीछे गाली देने लगे तो समझ जाइए कि आपने चमकना शुरू कर दिया है। और अगर आपके पीठ पीछे कोई आलोचना कर रहा है यानी बुराई कर रहा है तो समझ जाइए कि आप बहुत दूर निकल रहे हैं,
इस सबसे पहुंच से बहुत दूर निकल रहे। ये सब दिशा सूचक यंत्र है, गाली आलोचना है ना, कोई आप पर हंसता है, ये सब दिशा सूचक यंत्र है कि आप वाकई में कुछ अलग करने जा रहे हैं। समझ में आया? यहाँ इस न्यूटन को पागल घोषित कर दिया, एडिसन को पागल घोषित कर दिया, गैलीलियो गैलीली को जेल में रख दिया, अभी दुनिया उसको पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। तो कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, अलग करना पड़ता है ना। तो इसको समझा रहे, कोई गलत है क्या? नहीं नहीं, फीमेल निगेटिव है और मेल पॉजिटिव है, तो वैक्सीन वगैरह का सहारा लेना पड़ सकता है, इसका विशेष ध्यान रखिए। अगर मेले निगेटिव है, फीमेले पॉजिटिव है, तो पहले बच्चा नहीं होते रहता है, और एक बार हो जाता है तो फिर लाइन लग जाता है, क्रिकेट टीम बन जाता है। समझ में आया? तो इसमें कौन सब रक्त दान करना चाहेगा आगे जा करके? ठीक है, सभी रक्तदान करेंगे है ना, अपना लोग वो बैंक खोलेंगे, उसके बाद बड़का हो जाएंगे तब उसमें ब्लड बैंक बनाएंगे, मतलब शिविर लगाएंगे, इसमें सब रक्तदान करेगा, अपने लोग भेज देंगे हॉस्पिटल, जिस सबको जरूरी होगा सबको देगा, हम सभी का कारण क्या होगा, जान बच जाएगा है ना। ये मत सोचो कि नस काट कर प्यार का इजहार कराओ, कि ये मत सोचो कि नस काट कर प्यार का इजहार कराऊं, ये सोचो कि इसे छोड़ करके रक्तदान कराओ। ब्लड सब सब का कीमती, ब्लड समझो, ब्लड सबका कीमती, बचाता सबका जान, जो करता है इसका दान वही कहलाते हैं महान। हंसते हंसते कीजिए रक्तदान का काम, ताकि दुखियों को मिले जीवन का आराम। रक्त दान का आओ शुरू करे अभियान, कि रक्त दान का आओ शुरू करे अभियान, रक्त की कमी से न जाए किसी की जान। सही रास्ता पर चल रहा है। अब हम लोग प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं। इसमें बहुत सारा पेच है, सब मेरे आरएच फैक्टर, मेल पॉजिटिव फीमेल नेगेटिव, प्लेसेंटा कैसे, आरबी बच्चा सब कैसे कमजोर हो जाता है, आरबीसी कैसे बच्चा के अंदर फीमेल नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है तो बच्चा का आरबीसी कैसे मरने लगता है, बहुत बड़का मेडिकल पेच है, इसको अभी समझाना चालू कर देंगे तो शाम हो जाएगा है ना। इसीलिए ये सब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाने के दौरान आपको समझाएंगे, कुछ बातें सर्कुलेटरी सिस्टम में तो कुछ बातें जब चैप्टर चलेगा रिप्रोडक्शन का वहाँ। समझ में आया जी? ठीक है, धन्यवाद।